हेलो एंड जैन स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण rupani ये एक्सक्लूसिव चैनल है आईएससीसी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए चैनल है और आप मेरे प्यारे सुपरस्टार्स हाँ करंट ईयर के 24 यस yes, 2024 बैच के सुपरस्टार्स का बेहद यस yes, बेहद स्वागत है वेलकम है आप लोगों का और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं इस चैनल में आपको मिलने वाले हैं सारे लेटेस्ट कंटेंट्स हां वो कंटेंट्स जो आपके करंट ईयर के 2024 बोर्ड के सेशन के अकॉर्डिंग है हम वही करा रहे हैं जो आपके बोर्ड में एब्सोल्युटली लेटेस्ट है हाँ, अगर मैं कहूं कि आपको सब कुछ यस yes, आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यही मिलने वाले हैं इसी चैनल पे मिलने वाले हैं हां अगर आप मेरे चैनल में नए हैं आपको बस इतना बता दूं कि आप सही जगह पर हैं आप यकीन जानिए कि यह कैसे पल मेरा और आपके बॉन्ड के बीच यस मेरे और आपके बीच का जो बॉन्ड है वो किस तरीके से मिल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ ही दिन में आप शायद मुझे यस आंखें बंद करके भी खोजेंगे तो मेरी आवाज हां मेरी आवाज आपको सुनाई देगी ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं बस शर्त मेरी एक ही है इसको यस अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि पढ़ाई से आपको प्यार हो जाए आप चाहते हैं कि आपको सब्जेक्ट पढ़ने में बोरियत न लगे तो यही है वो एक चैनल जहां पर आई सी एस बोर्ड के हर एक सब्जेक्ट को हाँ हर एक सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ाते हैं आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री नोट्स अवेलेबल कराते हैं और ढेर सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं हां ये सब कुछ फ्री है बट बत... <laughs> बट है इसमें जुड़ा हुआ आप लोगों के लिए क्योंकि हमने आपके लिए ही बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट बना रहे हैं हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए मेरे सुपर के लिए टेंथ के बैच के आप सुपर के लिए बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट तैयार कर रहे हैं बट हमने कुछ पेड कंटेंट भी बनाने होते हैं जी हां क्योंकि चैनल में जो खर्चे हो रहे होते हैं उसको मेट आउट करने के लिए बट मैंने कहा अभी हम ऐसा कुछ भी आपके लिए पेड कंटेंट नहीं रखे हैं इस समय वर्तमान में एप्सल्यूटली एवरीथिंग इज फ्री सब कुछ कंटेंट्स नोट्स हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं बस आपको करना क्या है हमारा ऐप है सर तरुण रूपानी हां गूगल में जाइए प्ले स्टोर में जाइए और प्लीज चेक करिए एस आई आर सर तरुण रूपानी टाइप करिए जी हाँ हमने इसको शॉर्ट कर दिया और स्टार बना दिया है सर तरुण रूपानी एसटार स्टार ठीक है तो इसीलिए हमने नाम दिया है आपका सुपरस्टार चलिए ये तो हो गया इंट्रोडक्शन आइए फटाफट चलते हैं और आपके साथ शुरू करते हैं चैप्टर इन फिजिक्स तो मशीन हाँ, मशीन सोचते ही आपको कहीं अपनी बाइक तो नहीं याद आ रही है जो एक मशीन दिखाई दे रही है या कोई वो बड़ी मशीन जो कोई रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाती है कहीं वो तो नहीं याद आ रही है जी नहीं हम फिजिक्स में ऐसे बड़े यस yes, इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मशीन हैं जो आप सोच रहे हैं क्या आपके घर में ऊपर जो आप सीलिंग में देख रहे हैं वहां देखिए कहीं फैन तो नहीं देख रहे हैं कहीं वो तो मशीन नहीं सोच रहे हैं जी हाँ वो भी क्या है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है और हमें स्टडी करना है सिंपल मशीन चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन ट्वेंटी थ्री के अकॉर्डिंग आपके लेटेस्ट बैच के अकॉर्डिंग हम सेशंस कर रहे हैं तो मशीन की जब हम बात करते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं हाँ बहुत टिपिकल चीजें सोचने लगते हैं आपको ऐसा नहीं करना है मशीन कोई इक्विपमेंट का पीस है जिसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स लगे हुए हैं और वो एक कोई निश्चित काम करती है जैसे आपने शायद आपके आपने गन्ने का जूस पिया है ना पक्का पिया होगा गन्ने का जूस हाँ गन्ने का जूस या आपने मौसम्बी का जूस पिया होगा तो इन दोनों में आप देखेंगे एक बहुत मशीन है जो एक पर्टिकुलर काम कर रही है वो है फ्रूट्स को क्या कर रही है हा फ्रूट को क्रश करके उसका जूस निकाल दे रही है तो एक पर्टिकुलर काम कर रही है वो एक मशीन है तो ये तो हो गया मशीन जो कि आप और मैं देख रहे हैं ठीक है एक मशीन जो कि इलेक्ट्रिसिटी या स्टीम या गैस या इवन ह्यूमन पावर मैनुअल पावर से चलती है तब वो काम करती है यही है मशीन बट हम इस नजर से आज नहीं पढ़ेंगे हम आज इसको दूसरे तरीके से समझेंगे जी हां। तो मशीन फिजिक्स में क्या है, है, जो आपको पढ़नी है, उस नजर से देखेंगे तो क्या है तो मशीन एक ऑब्जेक्ट हो सकती है मशीन एक मैकेनिकल डिवाइस हो सकता है जो कि इनपुट रिसीव करता है हमारे द्वारा उस पर एफर्ट लगाया जाता है और बदले में वो क्या करता है एनआरई एनर्जी को आउटपुट में कन्वर्ट करता है हमारे लिए वर्क करता है बस ये है मशीन तो मशीन में से सिंपल मशीन की बात करें जिसका हमको स्टडी करना है उसमें लीवर है व्हील एंड एक्सिल है पुली है इंक्लाइन प्लेन है और वेज एन स्क्रू है क्या आप देखना चाहते हैं छह टाइप की मशीन आइए आपको इन सिक्स टाइप की मशीन को एक ही स्क्रीन पर दिखा देते हैं अब आपने देख लिया आपकी साइकिल में जो पहिया लगा है व्हील एंड एक्सेल बुलक कार्ट में जो पहिए लगे हैं वो व्हील एंड एक्सेल है व्हील और इसका जो सेंटर है धुरी एक्सेल सिमिलरली एक स्ट्रेट इवन आपका स्पून भी लिवर बन जाता है अगर आपको क्या करना है अगर ढक्कन खोलना है हाँ मिल्क के कैन का ढक्कन खोलना है चम्मच से चुटकियों में खोल लेंगे आप क्या कहते हैं तो वो एक लीवर है कोई बड़ा स्टोन है बड़ा पत्थर है आपको उस पत्थर को लिफ्ट करना है आप खूब ताकत लगाइए नहीं उठा पाएंगे अपने हाथ से पर जैसे ही एक रॉड को क्या करेंगे उस स्टोन के नीचे फंसा देंगे और ऊपर से क्या करेंगे थोड़ा सा प्रेशर लगा देंगे करेक्ट मूव कर जाएगा पत्थर उठ जाएगा देखिए उसी तरह से इंक्लाइन प्लेन हाँ आपके घर में आपकी एक्टिवा घर में ऊपर चढ़ानी पड़ती है कई लोगों को हाँ, कहीं आपके घर में तो नहीं है कि आपको एक्टिवा अपने फ्लैट में या अपने घर में ऊपर चढ़ानी पड़ती है हाँ पार्किंग के समय रखते समय तो आप इंक्लाइन प्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुली हाँ अगर आपने वेल से पानी कभी निकाला है हाँ, हाँ आपके गांव में जब आप जाते थे या आप गाँव में लोगों को देखते होंगे कि वो आज भी क्या कर रहे हैं फिक्स पुली से क्या कर रहे हैं पानी निकाल रहे हैं बकेट ऑफ वाटर निकाल रहे हैं और स्क्रू ओहो ये तो पक्का ही देखा होगा आपने स्क्रू तो पक्का ही देखा है होल्ड करने में मदद करता है ना लकड़ी के पार्ट्स को ज्वाइन करने में मदद करता है स्क्रू एंड लास्ट इज वेज जिसमें कि शार्प एज होता है आपकी घर की हाँ आपके घर में जो नाइफ है हाँ जिससे मम्मी सब्जियां काट रही हैं यहाँ हमने एक एग्जाम्पल दिया आप कुल्हाड़ी ये भी क्या है वेज तो ये छह सिंपल मशीन्स हैं हमें स्टडी करना है आज के चैप्टर में लिवर के बारे में और पुल्ली के बारे में तो पहले इनसे स्टडी करें इनसे शुरू करें आइए कुछ बेसिक टर्म्स को जानें जो आपको जानना जरूरी है जिससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सबसे पहले हमने बताया मशीन के बारे में तो मशीन करती क्या है और मशीन की तुम्हें और मुझे जरूरत क्यों है सारा काम अपने हाथ से ही क्यों ना कर ले आओ ऐसा संभव नहीं है कि हम सारा काम हाथ से कर लेंगे मशीन हमारे काम को आसान बनाती है हाँ मशीन हमारे काम के डायरेक्शन को चेंज करती है मशीन हमारे एफर्ट को जिस दिशा में हम ताकत लगा रहे हैं एनर्जी लगा रहे हैं हां उसको चेंज करती है आओ देखें कैसे तो मशीन हैवी लोड लिफ्ट कर सकती है कोई एग्जांपल दीजिए सर जब मशीन हैवी लोड लिफ्ट कर सकती है हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है जैक हां अगर कभी आपके पापा की गाड़ी पंचर हो गई होगी या आपने कभी पंचर वाले को काम करते हुए देखा होगा कार का पंचर तो वो टायर कैसे उठा लेता है एक छोटे से डिवाइस से बड़ी सी बड़ी कार ट्रक सबको उठाया जा सकता है उस डिवाइस का नाम है जैक देखा ही होगा आपने तो जैक हो गया या एक मैंने कहा एक आयरन बार एक आयरन बार से आप बड़े से बड़ा स्टोन भी लिफ्ट कर सकते हैं और फावड़ा हाँ फावड़ा मतलब स्पेड आपने देखा होगा है ना किसान फावड़े से क्या करता है मट्टी खनता है पुली डिस्कस किया व्हील बैरो जो, जो कि क्या करता है खूब सारा लोड लिफ्ट कर सकता है एक सिंगल व्हील लगा होता है इसके अंदर और एग्जाम्पल दू तो मशीन हमारे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को कन्वीनियंट कर देती है मतलब जहां हमारा एफर्ट लग रहा है जिस पॉइंट पर लग रहा है कार का एग्जाम्पल दे रहा था देखिए मेरे हाथ से आपको मेरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार दिखाई दे रही होगी तो अगर कार के हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो हमने जिस पॉइंट पर एफर्ट लगाया उससे कार क्या कर रही है देखिए हल्के से एफर्ट लगाने से कार की डायरेक्शन जा रही है ये रूल उसके अप्लाई होता है पहियों पे भी हां व्हील्स पे भी अप्लाई होता है स्टेयरिंग व्हील के अलावा व्हील्स पे भी अप्लाई होता है कार के जो व्हील्स हैं साइकिल के जो व्हील्स हैं हां व्हील्स की बात कर रहे हैं पहियों की बात कर रहे हैं आप पैडल तो आगे मार रहे होते हैं पर साइकिल में क्या होता है चेन लगी होती है आगे वाले पैडल का एफर्ट पीछे ट्रांसफर होता है पहिए पे नतीजा आपकी साइकिल आगे बढ़ने लगती है तो क्या लगा पॉइंट ऑफ एफर्ट आपने एफर्ट कहां लगाया आगे लगाया जबकि आपके क्या हुआ पीछे वाला व्हील क्या कर रहा था मूव करने लगा थ्रू द गियर और और किसको चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करता है सबसे अच्छा एग्जांपल है डायरेक्शन ऑफ एफर्ट का बकेट ऑफ वाटर यूजिंग सिंगल पुली फिक्स्ड पुली देखिए अगर पुली सिंगल फिक्स पुली जो कि कुएं के ऊपर लगाई गई है वो पानी को क्या करता है खींचता है और आपको हेल्प करता है डायरेक्शन ऑफ एफर्ट देखिए आपने डायरेक्शन ऑफ एफर्ट लगाया डाउनवर्ड जब आपने पुली को यूज किया कुएं से पानी निकालने के लिए सोचिए आपके पास सिंगल फिक्स पुली नहीं है आप ऐसे खींच रहे हैं बकेट से पानी निकाल रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं देखिए तो सोचिए कितना इनकन्वीनियंट डायरेक्शन में आपको पुल करना पड़ रहा है अपवर्ड अगेंस्ट दी ग्रेविटी पुल करना पड़ रहा है और जब आप ऐसे पुल कर रहे हैं तो आप बॉडी का वेट भी लगा सकते हैं हां खुद पकड़ के लटक भी सकते हैं अगर आपसे बाल्टी नहीं निकल रही है पानी की हां वैसे कभी गांव में ट्राई किया कि नहीं पानी की बाल्टी को निकालने का कुएं से ट्राई करिएगा आपको महसूस होगा कि बहुत ताकत लगती है इसमें बहुत एनर्जी लगती है इसमें बट पुली की मदद से आप क्या कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज कर सकते हैं ठीक है तो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज करती है सिंगल फिक्स पुली और किसे मदद करता है पुली सॉरी मशीन तो मशीन हेल्प करता है गेन इन स्पीड में सर ये गेन इन स्पीड क्या होता है गेन इन स्पीड का मतलब होता है कि आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाता है हाँ आप एफर्ट जो लगा रहे हैं वो तो उतना ही लगा रहे हैं जितना चाहिए पर काम जल्दी हो जाता है एग्जांपल है सीजर का सोचिए सीजर है तो क्लॉथ को कट करना कितना आसान है क्योंकि क्लॉथ को कट करने में आपको कितनी दिक्कत आएगी सीजर के बिना सीजर है तो फटाफट क्या करते हैं क्लॉथ कट कर लेते हैं समझ गए ना क्योंकि उसकी जो लॉन्ग हैंडल होता है उसका कटिंग वाला वो उसकी वजह से कपड़ा जल्दी कट जाता है तो गेन इन क्या मिल रही है आपको स्पीड मिल रही है याद रखिएगा एफर्ट कम नहीं हो रहा है पर काम क्या हो रहा है फास्ट हो जा रहा है आइए मशीन फिर से समझते हैं एक बार क्या है मशीन आज हम समझेंगे फिर से तो मशीन एक डिवाइस है ये तो पक्की बात हो गई एक डिवाइस हो गई क्योंकि आपने बुलाया सिजर का भी एग्जाम्पल दिया आपने पुलिस का एग्जाम्पल दिया आपने लिवर का एग्जाम्पल दिया एक रॉड का एग्जाम्पल दिया है ना तो है ना मशीन एक डिवाइस है कैन कैन बी ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स जो आपके लिए क्या करती है रेजिस्टिव फोर्स को लोड को ओवरकम करती है क्या आपके लिए लोड को ओवरकम करती है एट सम पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लोड को ओवरकम करने के लिए अर्थात लोड को मिटाने के लिए लोड का हां लोड जिसको आपको हटाना चाहते हैं जिसको आप मूव करना चाहिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपको क्या करना है इलेक्ट्रोजन का डब्बा है हां मिल्क का डब्बा जो होता है जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं उसका डब्बा खोलना है कभी आपने खोला है उसका डब्बा हाँ नाखून से खोलने की कोशिश करिए हाथ से खोलने की कोशिश मुंह से खोलने की कोशिश करिए बड़ा मुश्किल होगा बट आप जैसे ही एक स्पून लगा देंगे साइड में और ऐसे बस हल्का सा टैप करेंगे फट से क्या हो जाएगा वो बॉटल सॉरी वो जो टिन का डब्बा है वो खुल जाएगा क्यों भाई क्यों क्योंकि आपने डायरेक्शन ऑफ एफर्ट सही लगाया तो मशीन क्या करती है रेजिस्टिव फोर्स को क्या करती है ओवरकम करती है कैसे एट सम लगाते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप फोर्स लगाते हैं और उस कन्वीनियंट पॉइंट पे फोर्स लगाने से काम हो जाता और क्या करता है आपके डायरेक्शन चेंज कर सकता है एफर्ट की एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको गेन इन स्पीड देती है स्पीड को याद रखिएगा है ना और एग्जाम्पल दे सकते है क्या फायर टोंग देखा है क्या अरे भाई चिमटी चिमटा जिससे मम्मी रोटी पलटती है टोंग समझ गए आइस टोंग गेन इन स्पीड फायर टोंग गेन इन स्पीड याद रखोगे आइए अब कुछ टेक्निकल टर्म समझते हैं लोड का मतलब समझते हैं क्या होता है देख लीजिए ये टर्म आपको डेफिनेशन की नजर से भी देखना है और आपको न्यूमेरिकल के नजर से भी इनका मीनिंग मालूम होना चाहिए क्योंकि लोड हाँ इस पर न्यूमेरिकल्स हैं इन पर ठीक है ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर पे तो जो रेजिस्टिव या अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय मशीन हम मशीन जिस काम के लिए कर रहे हैं वो है हमारा रेजिस्टिव फोर्स जो हम करना चाहते हैं जो हम हटाना चाहते हैं जिसको हम ओवरकम करना चाहते हैं जैसे मैंने कहा मुझे एक बड़ा पत्थर है अपने रास्ते से हटाना है एक बड़ा पत्थर है मुझे उसको क्या करना है लिफ्ट करना है तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है एक बड़ी सी रॉड ले, ले लेंगे आयरन रॉड ले, ले लेंगे उसको फंसा देंगे पत्थर के नीचे और और उसको क्या कर देंगे पत्थर को उठा देंगे पत्थर को पलट देंगे पर देखा आपने किसका इस्तेमाल किया लिवर का इस्तेमाल किया तो लोड को लोड को क्या कहा गया है वो फोर्स जिसे हम ओवरकम करना चाहते हैं तो मेरे एग्जाम्पल में वो जो पत्थर है मैं दिखा रहा हूं आपको एक बड़ा सा पत्थर और यहां मैंने रखा एक लिवर ये है वो लिवर ये लिवर है जो इस बड़े से पत्थर को देखा इसके नीचे लगा दिया यहां हम लगाएंगे एफर्ट यहां है हमारे पास ये क्या है लोड ये है लोड और ये फलक्रम का काम कर रहा है बस इस पे एफर्ट लगाएंगे देखिए यहां से ऐसे एफर्ट लगाएंगे पत्थर क्या हो जाएगा उड़ जाएगा बड़े से बड़ा पत्थर उड़ जाएगा तो ये लोड है समझ गए लोड वो रेस्टिव फोर्स है जो हम ओवरकम करना चाहते हैं तो ये एफर्ट क्या होता है वो ताकत वो फोर्स जो हम लगाते हैं जो हम फोर्स मशीन पर लगाते हैं यहां पे हम लगा रहे हैं ना एफर्ट, ठीक है ना यहां देखिए लिखा है ना यहां पर हम एफर्ट लगा रहे हैं तो जो हम एफर्ट लगा रहे हैं इस लोड को लिफ्ट करने के लिए इस लोड को हटाने के लिए इसी का नाम रखा गया है एफर्ट अब दोनों ही फोर्स हो चाहे फोर्स हो ये भी एक फोर्स है तो इसका मतलब है एस आई यूनिट क्या होगा न्यूटन होगा सिमिलरली ये भी एक फोर्स है तो एस आई यूनिट इसका भी न्यूटन होगा तो सर सीजीएस यूनिट क्या होगा सी यूनिट इसका डाइन होगा क्लियर है अब आप समझ गए दोनों का यूनिट आपको आना चाहिए न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं ठीक है ऐसा यूनिट न्यूटन होगा क्योंकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है ठीक है और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन यूनिट तो होता है मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा मशीन से मिलने वाला लाभ सर ये क्या मतलब हुआ मशीन से मैकेनिकल मशीन एडवांटेज लाभ सर इसका क्या मतलब आया अगर टेक्निकली न जाए तो सिंपल है डेफिनेशन लोड टू एफर्ट बस अगर आपने लोड को एफर्ट से डिवाइड कर दिया लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट ये रहा फॉर्मूला खत्म तो मैकेनिकल एडवांटेज इज रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट बस इसको कर दो डिवाइड जो बताएगा नंबर आएगा वो क्या आएगा एडवांटेज बताएगा बताएगा कि मशीन से आपको क्या लाभ मिल रहा है अगर लाभ एडवांटेज अगर मशीन से मिल रहा है तभी तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या कहते हैं तीन सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं सही कह रहा हूं तीन सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं पहली सिचुएशन क्या हो सकती है हो सकता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन हो सर ये क्या होता है देखिए जिस समय मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन है इसका मतलब है कि आपका एफर्ट कम है और लोड ज्यादा है मतलब आप कम ताकत लगा करके एफर्ट वो है जो आप पुट इन करते हैं मशीन में और लोड वो है जो मशीन आपके लिए करती है तो जब क्या हो रहा होगा आपका लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट आपने कम एफर्ट में एक बड़ा लोड लिफ्ट कर दिया समझाने के, के लिए कहते हैं कि आपने एफर्ट लगाया ट्वेंटी न्यूटन का जरा एग्जाम्पल देखिएगा आपने एफर्ट लगाया आपने मशीन में फोर्स पुट इन किया ठीक है ना ट्वेंटी न्यूटन का जबकि मशीन ने आपके लिए क्या किया हंड्रेड न्यूटन का लोड लिफ्ट कर दिया आपके बीस न्यूटन की ताकत लगाने पर सौ न्यूटन का पत्थर आपने हटा दिया तो यह है आप का फाइव मैकेनिकल एडवांटेज इससे हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्योंकि फाइव है मेरे एग्जाम्पल में ग्रेटर देन वन है इसे कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर क्योंकि आपकी फोर्स आपके द्वारा लगाई गई ताकत कई गुना मल्टीप्लाई हो गई पांच गुना मल्टीप्लाई हो गई मेरे एग्जाम्पल में ठीक है ना तो जब क्या हो मशीन आपके काम को आपके लोड को ओवरकम कर ले हटा दे ठीक है ना और एफर्ट कम हो आपका आपने कम एफर्ट लगाया देखिए लोड बहुत ज्यादा है एफर्ट कम है एल लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ये देखा मैंने एल बनाया तो आपने क्या किया लोड ज्यादा है और एफर्ट बहुत कम लगा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पास मशीन जो है वो ग्रेटर देन वन का काम कर रही है ऐसी मशीन को हम कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम कर रही है ठीक है ऐसी मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होता है वो है फोर्स मल्टीप्लायर आइए सेकंड केस देखें जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल लेस देन वन होने वाला है तो हम मशीन क्यों यूज करेंगे भाई जब मशीन से एडवांटेज कम मिल रहा है मैंने कहा ना तीन सिचुएशन आने वाली है पहली सिचुएशन ग्रेटर देन वन दूसरी सिचुएशन लेस देन वन और तीसरी इक्वल टू वन यही तीन सिचुएशन आएगी इस केस में क्या होगा इसमें जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज वन से कम है उस समय मशीन से क्या फायदा है फायदा यह है कि आप गेन इन स्पीड कर पाएंगे अर्थात आप ज्यादा जल्दी काम कर पाएंगे अगर स्पीड की नजर से देखते हैं इस केस में क्या हो जाएगा एफर्ट इज मच ग्रेटर देन लोड आपके पास एफर्ट ज्यादा लग रहा है आप ताकत ज्यादा लगा रहे हैं लोड कम लिफ्ट कर पा रहे हैं ठीक है इफ जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सीजर का एग्जाम्पल दिया था हाँ सीजर का एग्जाम्पल दिया था मैंने कहा था सिजर क्या करती है क्लॉथ को कट कर सकती है तो वो गेन इन स्पीड का एग्जाम्पल है दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया फायर टोंग का आइस टोंग का या आसान भाषा में बोले चिमटे का अरे जिस चिमटे से मम्मी क्या करती है गैस में तवे पे जो रोटी पलटती है ना मम्मी ध्यान दिया है बड़ा बड़ा गर्म तवा भी मम्मी क्या करती है चिमटे की मदद उठा लेती है नहीं ध्यान दिया कभी कभी जाना माँ को देखना किचन में काम करते हुए तुम्हें महसूस हो जाएगा अपनी मम्मी को हाँ हाँ तो वो गर्म चिमटा हाथ से उठाती तो जल जाता ना मम्मी का हाथ तो वो चिमटा क्या कर रहा है आपको गेन इन स्पीड दे रहा है एफर्ट तो ज्यादा लग रहा है ध्यान दीजिएगा चिमटे से उस तवे को उठाना या रोटी गर्म रोटी को उठाना एफर्ट ज्यादा लग रहा है रोटी से ज्यादा ताकत लग रही है बट बट फायदा यह काम फास्ट हो जा रहा है मम्मी का क्योंकि मम्मी का हाथ नहीं जल रहा है चिमटे की मदद से समझ गए आओ देखें तो अगर क्या हो एफर्ट ज्यादा लगे और लोड लोड कम हो जैसे मैंने कहा रोटी कम लोड है उसमें पर आपकी ताकत ज्यादा लग रही है चिमटे से उसको उठाने में पलटने में समझ गया ना तो उस केस में आपको गेन इन स्पीड मिल रही है तो इफ इट इज एन एफर्ट ग्रेटर देन लोड समझ गए तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा लेस देन वन एग्जाम्पल से फिर से समझाता हूं कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट फॉर्मुलेट चेंज नहीं होगा याद रखिएगा डेफिनेशन में लोड अपॉन एफर्ट ही बताया मैंने आपको तो लोड अज्यूम करता हूं आपके पास है ट्वेंटी न्यूटन और आपने एफर्ट लगाना है फोर्टी न्यूटन डबल एफर्ट लगा रहे हैं आप देखिए अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो पॉइंट फाइव तो मैकेनिकल एडवांटेज मेरे एग्जांपल में क्या आ रहा है इस बार वन से कम आ रहा है देख लीजिए पॉइंट फाइव आ रहा है वन से कम है तो इस केस में गेन इन स्पीड का काम करेगा ठीक है एग्जाम्पल भी समझ में आ गया अब कभी कभी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू हो जाता है one के बराबर तो हम क्यों यूज करते हैं न एफर्ट का फायदा मिला न लोड का फायदा मिला है ना तो हम क्यों यूज करते हैं आइए बताते हैं तो हम क्यों यूज करते हैं इस केस में क्या होगा लोड Will be equal to effort. मतलब जितना लोड है एफर्ट भी उतना लगता है यूजुअली एक सिंगल फिक्स पुली का एग्जाम्पल इससे ले सकते हैं हाँ सिंगल फिक्स पुली वही कुएं वाली पुली जो कुएं में जो लगाया गया पुली है उसे कहते हैं सिंगल फिक्स पुली इस केस में क्या होगा इस प्लेस में मैकेनिकल एडवांटेज जो कि लोड अपॉन एफर्ट होता है जिसमें एग्जाम्पल देता हूं लोड है ट्वेंटी न्यूटन और आपने एफर्ट भी लगाया है ट्वेंटी न्यूटन का बस फायदा क्या मिलता है इसमें चेंज इन दी डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हो पता है क्लियर है आपकी डायरेक्शन ऑफ एफर्ट क्या हो जाती है चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पुली में आप क्या कर सकते हैं सिंगल फिक्स पुली में आप झुक सकते हैं बॉडी का वेट लगा सकते हैं और बकेट को लिफ्ट कर सकते हैं पानी को कुएं से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि आपके डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को आप चेंज कर पाएंगे डायरेक्शन ऑफ एफर्ट क्या हो गया मेरे एग्जाम्पल में डाउनवर्ड हो गया जो कि इजियर होता है आपको लोड लिफ्ट करने में ठीक है तो इस तरह से क्या हुआ मशीन फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम कर सकती है क्या और उसी समय वो गेन इन स्पीड का भी काम कर सकती है जवाब है नहीं एट अ टाइम मशीन एक ही काम करेगी है ना सब काम नहीं कर सकती या तो वो गेन इन स्पीड का काम करेगी और या तो वो फोर्स मल्टीप्लायर का, का काम करेगी समझ गए सब काम एक साथ नहीं कर सकती है और याद रखिएगा मैकेनिकल एडवांटेज के पास कोई यूनिट नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्यों मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता है वाई अरे मुझे नहीं बताना है तुमको बताना है टाइप करो अभी आंसर और मुझे बताओ कि वाई मैकेनिकल एडवांटेज नो यूनिट मुझे आपके आंसर का वेट है आप अपने वर्ड्स में लिख दीजिए आंसर कोई दिक्कत नहीं है बस मैं ये समझता हूं कि आपके और मेरे बीच में जो बॉन्ड है वो अब बनना शुरू हो रहा है मैं ये देखूंगा कि आप में से कितने मुझे क्या कर रहे हैं इसका जवाब लिखते हैं आपके हर एक जवाब को मैं पर्सनली भी कमेंट करने वाला हूं या उस पर लाइक देने वाला हूं या उस पर क्या करने वाला कोई ना कोई मैसेज मैं उसमें जरूर से टैप करूंगा उसको जरूर पढ़ूंगा और अपना रिस्पॉन्स भी करूंगा ठीक है वो भली लाइक से कर दू है आपका जवाब मेरे लिए जरूरी है लेटस सी हाउ मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग क्वेश्चन क्लियर है क्या मैकेनिकल एडवांटेज में कोई यूनिट क्यों नहीं होता है ठीक है ये लिखना है आपको वैसे मैंने बता दिया नो no यूनिट है पर क्यों नहीं होता है ये आपको बताना है हां अगर आपने समझ लिया होगा कंसेप्ट मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला तो आप मुझे पक्का इसका आंसर बता पाएंगे आइए पढ़ते हैं वेलोसिटी रेशियो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूं और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूं दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए वेलोसिटी रेशियो वेलोसिटी मतलब स्पीड विथ अ डायरेक्शन अगर कोई बॉडी किसी पर्डलर क्या कर रही है डायरेक्शन में जा रही है उसकी स्पीड नोन है और डायरेक्शन नोन है तो वेलोसिटी बन जाता है अब किसकी वेलोसिटी आइए समझते हैं तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट देखिए किसका रेशियो निकालना है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड ये रहा फॉर्मूला भी और ये रहा इसका हाँ मीनिंग भी डेफिनेशन भी आप यहीं से याद कर लीजिए डेफिनेशन अलग से याद मत करो बस एक लिख दो इट इज द रेशियो रेशियो मतलब होता है डिवाइड करना अपॉन करना ठीक है इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू टू मतलब हो गया ये डिवाइड का सिंबल टू वेलोसिटी ओ वेलोसिटी ऑफ लोड ठीक वैल्यू नहीं वेलोसिटी ऑफ लोड क्या वेलोसिटी आपको जे होगी वेलोसिटी हाँ, नहीं दी होगी तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आप जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा वेलोसिटी रेशियो का दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या फॉर्मूला ये लिख सकते हैं आइए देखें वेलोसिटी रेशियो मैं लिख रहा हूं Ratio is equal to of to of load. मतलब कि आपको जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी दी रही है।, दिया रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं हाँ जितना लोड मूव कर रहा है वो दिया रहा है और जितना एफर्ट मूव कर रहा है वो दिया रहा है तो भी आंसर आपका आ सकता है आइए देखते हैं अब तीन केस बनेंगे इसमें भी तीन चॉइसेस आएंगी जैसे मैकेनिकल एडवांटेज में तीन चॉइस आई थी ना मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन यही इसमें भी होना है अब वो समझ में आ गया तो ये भी पक्का आ जाएगा तो वेलोसिटी रेशियो अगर वन से कम है तो क्या होगा अगेन तो समझ जाओ गेन इन स्पीड होने वाला है इसमें क्या होने वाला है ध्यान से देखते हैं इस समय क्या हो रहा है आपके पास वेलोसिटी रेशियो लेस देन वन क्यों है तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला बताया डिस्टेंस ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बायू डिस्प्लेसमेंट बोलू ठीक है डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड तो यहां पर कब होगा जब लोड आपका का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा ठीक है ऐसा कब होगा जब आपका वेलोसिटी रेशियो लेस देन वन हो जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ तो लोड हाँ ये रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना जब ये ज्यादा हो जाएगी तो आप समझ जाइए वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से कम हो जाएगी क्लियर है तब आप समझ जाइए कि आपको सिर्फ गेन इन स्पीड मिलने वाले मतलब आप लोड को faster मूव कर पाएंगे लोड जल्दी-जल्दी मूव कर पाएंगे पर आपका एफर्ट ज्यादा लगने वाला है दूसरा केस क्या होने वाला है वेलोसिटी रेशियो वेलॉसटी रेशियो वी आर वेलॉसिटी रेशियो ग्रेटर देन वन यहां पर क्या होने वाला है देखिए वेलॉस्टी रेशियो इज डिस्टेंस ऑफ एफर्ट सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड यहां पर इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट जो है वो बड़ा होने वाला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड से मतलब कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होने वाली है इस बार ज्यादा बड़ी होने वाली है नतीजा क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू ग्रेटर देन वन आएगी इस केस में क्या हो जाएगा मशीन फास्टर काम करेगी फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगी आप कम एफर्ट लगा करके ज्यादा काम कर पाएंगे कम ताकत इनपुट करेंगे कम ताकत लगाएंगे और ज्यादा क्या हो जाएगा आउटपुट जनरेट कर पाएंगे आइए और आगे जाने क्या वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू वन भी हो सकता है जवाब है यहां अगर वन आ गया तो समझ जाइए सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट होगा जैसे कि हमने डिस्कस किया था सिंगल फिक्स पुली में उसमें भी क्या हो रहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ दोनों ही इक्वल हैं समझ जाइए वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल टू वन हो जाएगा एग्जांपल मैंने सिंगल फिक्स पुली दिया था अब आता है क्या यूनिट होती है वेलोसिटी रेशियो की तो वेलोसिटी रेशियो की यूनिट भी नहीं होती है क्यों नहीं होती है वेलोसिटी की यूनिट क्यों नहीं होती है इसमें यूनिट क्यों नहीं होती है? तो रीजन सिंपल है क्योंकि जो दोनों कॉम्युनिटीज हैं जिनका हम रेशियो निकाल रहे हैं ये भी डिस्प्लेसमेंट है एफर्ट का और यहां डिनोमिनेटर में भी डिस्प्लेसमेंट है जैसे अगर एफर्ट है टू मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है टू मीटर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड भी है टू मीटर तो ये मीटर मीटर दोनों सेम यूनिट है तो सिमिलर यूनिट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे समझ गए दोनों के यूनिट सेम है और तो टू टू भी कट जाएगा आपका इसीलिए आंसर क्या आएगा हाँ यूनिट नहीं आएगा क्या नहीं आएगा नो यूनिट क्लियर है अब समझ गए कि क्यों वेलोसिटी रेशियो में भी यूनिट नहीं होता है हाँ मेरा क्वेश्चन बरकरार है वो वाला चलो अब आता है ये वर्क इनपुट क्या होता है सर हां इन इन मतलब अंदर तो जो हम मशीन में मैंने कहा था मैं एक रॉड से एक मोटे या बड़े आयरन ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा हूं मेरे पास एक आयरन रॉड है और मुझे क्या करना है उससे हाँ एक बड़े से पत्थर को लिफ्ट करना है तो हम जो एफर्ट लगा रहे हैं हम जो एफर्ट पुट इन कर रहे हैं उसका नाम है वर्क इनपुट या इनपुट एनर्जी Clear? हम जो लगाने जा रहे हैं देखिए वर्क डन ऑन मशीन क्लीवर्ड देखिए आप मशीन पर वर्क लगा रहे हैं आप मशीन पर एनर्जी पुट कर रहे हैं हमारे एफर्ट से हमारी ताकत से जो मैं जो हम करते हैं एफर्ट आप सीजर चला रहे हैं तो जहां से आप दिखाता हूं सीजर थोड़ी सी जरा अनोखी लगेगी पर सीजर है ये आपका एफर्ट कहां लगेगा यहां पर लगेगा ये है आपका एफर्ट और फलक्रम कहां है ये रहा और लोड कहां होगा इन दोनों के बीच में देखा तो आपका जब एनर्जी की बात करते हैं इनपुट की बात करते हैं तो ये है एनर्जी जहां पर आप क्या कर रहे हैं एनर्जी लगा रहे हैं तो वर्क इनपुट किसके बराबर है वर्क इनपुट बराबर है वर्क डन बाय एफर्ट जो हम वर्क डन कर रहे हैं अगर फॉर्मूले से मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा एफर्ट इन टू एफर्ट आर्म या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म एफर्ट के बदले आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी एफर्ट भी कर सकते हैं मतलब एफर्ट से लेकर के और यहां तक की दूरी ये है आपका एफर्ट आर्म ठीक है एफर्ट से लेके एफर्ट तक की दूरी उसे कहेंगे एफर्ट एफर्ट आर्म या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जैसे कि मैंने कहा पुल्ली में एग्जाम्पल जितना हम एफर्ट लगा रहे थे जितनी हम क्या कर रहे हैं रोप पुल कर रहे हैं उतना ही लोड क्या हो रहा है लिफ्ट हो रहा है यह है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अब दूसरा आता है वर्क इनपुट हो गया तो मशीन मेरे लिए भी तो कुछ करेगी जो मशीन मेरे लिए काम करेगी वो है आउटपुट आउटपुट मतलब रिजल्ट नतीजा जैसे कंप्यूटर में आप क्या करते हैं क्या कहते हैं कंप्यूटर चलाना आप सब जानते हैं आप देते हैं इनपुट पर कंप्यूटर क्या करता है आपको देता है आउटपुट तो आउटपुट वह है जो हमें मशीन करके दे रही है आउटपुट वह आपका कंप्यूटर आपको करके दे रहा है ठीक है तो आउटपुट क्या है वर्क डन बाय द मशीन जो मशीन हमारे क्या कर रही है काम कर रही है हमारे लोड को यस yes. तो वर्क डन ऑन द लोड बाय द मशीन क्लियर है और इसको अगर पता करना है एनर्जी के रूप में तो लोड इन टू लोड आम या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड ठीक है आइए अब अगला टर्म कौन सा है अगला टर्म है एफिशिएंसी देखिए ये सारे टर्म्स न्यूमेरिकली काम आने वाले हैं आपको आपको इसका न्यूमेरिकल आने वाला है इसीलिए मैं इतना डिटेल में बता रहे हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल श्योर शॉर्ट हैं बोर्ड पर आएंगे ही तो प्लीज ध्यान से देखिए तो जब एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम आम भाषा में बोलेंगे कि मशीन बहुत अच्छी है तो समझ में नहीं आएगा पर बोले कि मशीन की एफिशिएंसी 90% परसेंट है और कहें मशीन की एफिशिएंसी 95% परसेंट है क्या कहते हैं कौन मशीन ज्यादा अच्छी है अरे भाई जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी मशीन उतनी अच्छी है हाँ। क्या मशीन की एफिशिएंसी 100 हो सकती है क्या मशीन की एफिशिएंसी वन हो सकती है जवाब है हाँ, बट ये सिर्फ क्या है थ्योरेटिकल पॉसिबल है इन रियल लाइफ एक आइडियल मशीन की एफिशिएंसी हंड्रेड हो सकती है चलो एफिशिएंसी समझते हैं एफिशिएंसी का सिंबल है एटा ये एन टाइप का बना दिखेगा ऐसा ऐसा दिखेगा बोलते हैं एटा ई टी ए हाँ, सिंबल है एन जैसा बस एन की टांग खींच दो नीचे तो बन जाएगा एटा एन की एक टांग नीचे खींच दी गई है जैसे एन लिखते हैं ना हम लोग एन ऐसे इसकी टांग बस इन लंबी कर दी गई है इसको तो उसको बोलते हैं एटा। तो एफिशिएंसी क्या है एफिशिएंसी लोड ध्यान दीजिएगा वर्क डन ऑन लोड और वर्क डन ऑन मशीन जो वर्क डन ऑन लोड है वो से हम कहते हैं वर्क आउटपुट आउटपुट जो मशीन हमारे लिए काम करती है हां जिसे हम कहते हैं लोड जो हमारे लिए मशीन लिफ्ट करती है उसे कहते हैं और वर्क इनपुट क्या है जो हम इन करते हैं इन मतलब हम जो लगाते हैं इन मतलब लगाना पुट इन करना तो हम जो वर्क पुट इन कर रहे हैं हम जो एफर्ट लगा रहे हैं वो वर्क इनपुट है फार्मूला भी बन गया देखिए यहां देखिए फार्मूला भी तैयार हो गया अब एफिशिएंसी का फार्मूला क्या बन गया एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क ध्यान दीजिएगा वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट याद रखिएगा वर्क आउटपुट को हम लोग आउटपुट एनर्जी भी बोल सकते हैं क्योंकि वर्क है तो एनर्जी है अपॉन इनपुट ठीक है वर्क इनपुट अगर आपने इंटू हंड्रेड कर दिया तो आपका आंसर परसेंटेज में आएगा इन केस आपने इंटू हंड्रेड नहीं किया तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा डेसिमल में आ जाएगा याद रखिएगा वन अगर आ गया अगर आपकी एफिशिएंसी वन आ गई तो समझ जाइए आपकी मशीन आइडियल मशीन है परफेक्ट मशीन है जो कि रियल लाइफ में संभव नहीं है थियोरिटिकली तो संभव हो सकता है पर रियल लाइफ में नो मशीन इज आइडियल मशीन समझ गए तो एक और फॉर्मुला दे दो चलो एक और फॉर्मुला देता हूं एक आर्म जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड जिसे हम डिस्प्ले लोड आर्म कह रहे हैं अपॉन एफर्ट इन टू एफर्ट आर्म मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड ये भी आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला है सर एक और फॉर्मूला दीजिए सर एफिशिएंसी का हाँ भाई एक और दे रहा हूं फॉर्मूला एफिशिएंसी का तीसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू इन सब में जो मैंने हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया है आपका आंसर परसेंटेज में होगा अगर आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आंसर डेसिमल में या फ्रैक्शन में भी आ सकता है क्लियर है ये है आपका एफिशिएंसी आइए आगे बढ़ जाते हैं अब आपको बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन हाँ भाई स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मशीन प्रिंसिपल मतलब होता है किस गाइडलाइंस पे किस बेसिस पे वो मशीन काम करती हैं तो मशीन काम करती हैं जब उन्हें एनर्जी सप्लाई करते हैं याद रखिएगा मशीन में हमको क्या करना पड़ता है एनर्जी पुट इन करना पड़ता है जिसे हम वर्क इनपुट कहते हैं या इनपुट एनर्जी कहते हैं ठीक है तो जो हम एनर्जी मशीन को दे रहे हैं अरे आम भाषा में तो मैंने कहा हम और आप जो हाथ से मशीन चला रहे हैं हा? तो वो वो मैनुअल पावर है पर जो बिजली से चलने वाली चीजें हैं इलेक्ट्रिकल पावर है, है. सन से चलने वाली चीजें सोलर पावर है तो जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं मशीन को जो हम एफर्ट लगा रहे हैं उसे कहते हैं क्या हाँ एनर्जी पुट इन टू द मशीन और मशीन क्या करती है हमारे लिए लोड को ओवरकम कर देती है ठीक है आइए द पॉइंट एट विच जहां हम एनर्जी लगा रहे हैं जिस जगह एनर्जी लगा रहे हैं उस पॉइंट को कहते हैं हम जब एनर्जी लगा रहे हैं उसे कहते हैं एनर्जी पॉइंट पॉइंट ऑफ एफर्ट जिस तरफ हम एनर्जी लगा रहे हैं जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ एफर्ट है और जिस पॉइंट पे एनर्जी क्या कर रही है ओवरकम कर रही है लोड को उसे कहते हैं लोड पॉइंट ध्यान दीजिए लोड से लोड पॉइंट और एफर्ट से एफर्ट पॉइंट क्लियर अब आते हैं इनपुट एनर्जी फिर से समझते हैं तो इनपुट एनर्जी क्या है मैंने पहले ही बताया जो हम एफर्ट पुट इन करते हैं तो वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट इस एफर्ट वाले पॉइंट पर जिस पॉइंट पर याद रखिएगा एफर्ट का एक पर्टिकुलर डॉट है पॉइंट है जहाँ पे हम एफर्ट पुट इन कर रहे हैं जैसे कि मैंने कहा एक सीजर में हम क्या कर रहे हैं पुट इन प्रेशर कर रहे हैं पुट इन एफर्ट लगा रहे हैं अपना तो क्या फॉर्मूला है एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट या और आसान भाषा में एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म अगर सिंपल कर दिया जाए क्या आउटपुट एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी अगेन आउटपुट क्या है आउटपुट वो है जो मशीन हमारे लिए लोड लिफ्ट कर रही है ठीक है तो इसका हो जाएगा लोड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑफ एप्लीकेशन लोड याद रखिएगा लोड आम बोल देंगे तो भी मतलब वही हो जाएगा एक आइडियल मशीन कैसी मशीन होती है मैंने कहा था आइडियल मशीन कुछ नहीं होती है अरे नहीं भाई रियल लाइफ में आइडियल मशीन नहीं होती है क्योंकि जितना आप इनपुट कर रहे हैं उतना आउटपुट तो मशीन कभी नहीं करती है सर क्यों नहीं करती है अभी आते हैं बताते हैं क्यों नहीं एक आइडियल मशीन होती है तो आइडियल मशीन तभी होगी जब क्या होगा कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी आप जितना एफर्ट पुट इन करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा आउटपुट निकल जाएगा तो आइडियल मशीन में एफिशिएंसी कितनी होगी या तो 100 परसेंट बोले या बोले वन अगर पसंद में नहीं देख रहे हैं तो बोलेंगे वन ठीक है तो एक्चुअल में क्या होता है मैंने पहले ही बताया एक्चुअल में आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट आपका एफर्ट ज्यादा और मशीन का एफर्ट हमेशा कम होता है क्यों सर ऐसा क्यों तो बहुत सिंपल सा रीजन है कि बहुत सारा एनर्जी क्या होता है बर्बाद हो जाता है एफर्ट हमारा बहुत सारा वेस्ट हो जाता है क्यों क्योंकि जो मशीन के पार्ट्स हैं वो एकदम वेटलेस तो हो ही नहीं सकते स्मूथ या फ्रिक्शनलेस तो हो ही नहीं सकते कहीं ना कहीं तो पार्ट्स एक दूसरे से क्या करेंगे रब करेंगे स्लिप करेंगे एक दूसरे के ऊपर टच करेंगे नहीं करेंगे अपोजिंग मोशन पता करेंगे कि नहीं करेंगे तो, तो आपकी एनर्जी तो वेस्ट होनी ही होनी है और जब आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप कोई उसमें पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो परफेक्टली इलास्टिक पार्ट होगा उसके अंदर जवाब है नहीं होगा और अलग अलग पार्ट हैं तो अलग अलग पार्ट परफेक्टली पार्टी होते नहीं है तो इसीलिए क्या करना पड़ता है आपकी एनर्जी का लॉस होना ही पड़ता है होगा ही होगा एंड दैट इज वाई एक्चुअली में क्या होता है एफिशिएंसी लेस देन हंड्रेड होती ध्यान रखेंगे इस बात का आइए समझते हैं क्या रिलेशन है एफिशिएंसी के बीच में मैकेनिकल एडवांटेज के बीच में और वेलोसिटी रेशियो में तो थोड़ी देर पहले ही बताया एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट याद रखिएगा इन टू हंड्रेड नहीं किया है तो आंसर परसेंटेज में बस नहीं होगा फ्रैक्शन में होगा अलाउड है डेसिमल में होगा अलाउड है और या तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो क्या इसी फॉर्मूले से क्या हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मला बना सकते हैं हाँ जरूर बना सकते हैं ये जो आपको एन दिख रहा है ये ये एटा है ये एन नहीं है बता दे रहा हूं सिंबल ये एन ऐसा लग रहा है आपको ये इसकी टांग लंबी है ये वाली है ना ये वाली टांग बस हमने क्या कर दी मैंने कहा इसकी टांग खींच दी है एटा इसको बोलते हैं तो ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है इसका फॉर्मूला बन जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी ये जो एटा है एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी फॉर्मूला बन जाएगा आइए हम पुली से स्टार्ट करते हैं और पुली पुली के टाइप्स और इनसे रिलेटेड सारे आ, आ, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंगल फिक्स पुली पुली सर ये क्या होता है पुली हाँ भाई पुली थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था कि कुएं के ऊपर आपने पुली पक्का देखा होगा या आपके स्कूल में जो फ्लैग हॉस्टिंग होती है फिफ्टीन अगस्त को होती है ना फ्लैग हॉस्टिंग हाँ तो फ्लैग के जो झंडे का जो डंडा होता है ना ऊपर उसमें एक फिक्स पुली लगी होती है तभी तो झंडा ऊपर चला जाता है नहीं ध्यान दिया था कभी आपने अब ध्यान दीजिएगा झंडे के डंडे की बात कर रहा हूं और डंडे के टॉप पे लगा होता है पुली हाँ सच में और सबसे आसान एग्जांपल है कुएं पे लगा यस पुली वो है फिक्स पुली तो पुली चलिए पुली में क्या होता है देखिए एक सिंगल पुली की बात करें तो वो दो तरीके से काम कर सकती है या तो वो फिक्स्ड पुली के रूप में हो सकती है जिसका मतलब है पुली अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी ठीक है एक ऐसी पुली जिसमें उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगा वो जिस फ्रेम में है वहां पर वो फिक्स्ड है एक पुली के लिए क्या चाहिए होता है एक एक्सेल ऑफ रोटेशन चाहिए होता है जिसपे वो गोल घूम सकती है एक हिंदी वर्ड बोले तो एक धुरी चाहिए होती जिसपे वो रोटेट कर सकती है ठीक है ना तो एक पुली जिसमें क्या है फिक्स्ड एक्सेस होगा जिसके अराउंड पुली मूव करेगी तो वो फिक्स्ड पुली बन जाएगी अपनी पोजीशन पुली चेंज नहीं करेगी एग्जांपल के रूप में मैं आपको डायग्राम भी फिर से दिखा देता हूं ये रही एक पुली ये है पुली चलिए फिक्स्ड पुली फिक्स्ड पुली ध्यान से देखिए फिक्स्ड पुली यहां पर जो फिक्स्ड पुली है मेरे केस में वो एक बकेट को उठा रही है ठीक है हाँ थोड़ा बकेट बड़ा अच्छा सुंदर नहीं बना है ये है बकेट यहाँ आप देखेंगे कि आपका टी दैट इज टेंशन दैट इज दी हाँ भाई कहीं ना कहीं तो पुल क्रिएट होगा कि नहीं होगा क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी तो उसे नीचे ले जा रही है पर हम इसको क्या कर रहे हैं ऊपर खींच रहे हैं ना तो टी हमेशा क्या होगा ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा टेंशन इसका हमेशा अपवर्ड पॉइंट करेगा अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं देखिए एफर्ट लगा रहे हैं यहाँ पर एरो देखिए पर एफर्ट लगा रहे हैं ये है सिंगल फिक्स्ड पुली तो मोवेबल पुली में क्या होगा तो मैंने कहा पुली जिसमें क्या हो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर सके जिसमें उसका फ्रेम भी मूव कर जाए क्या कहा जिसमें उसका फ्रेम भी मूव कर जाए उसे कहते हैं सिंगल मूवेबल पुली आइए एक एक करके एग्जाम्पल से दिखा देते हैं सबसे पहले बात करते हैं सिंगल फिक्स पुली की चलिए सिंगल फिक्स पुली ध्यान दीजिए आप तो एक सिंगल फिक्स पुली में क्या खास बात नजर आएगी आपको एक पुली जिसमें एक्सेस ऑफ रेडिएशन स्टेशनरी है स्टेशनरी मतलब फिक्स इसका ये रोटेशन करने वाला पॉइंट फिक्स है है ना ये इस प्लेन से मूव नहीं करेगी यहीं इस पर रहेगी हमेशा पुली। इसीलिए नाम है फिक्स पुली। तो जिसमें फिक्स पुली होती है वहां पे क्या खास बात होती है फिक्स पुली में फ्रिक्शन होता है बिटवीन द स्ट्रिंग एंड सरफेस ऑफ द रिम ऑफ द पुली यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग जा रही है स्ट्रिंग क्या कर रही है इसके सरफेस पे क्या कर रही है फ्रिक्शन कर रही है और रोटेट कर रही है सिंपल अब ऐसी पुली में मैकेनिकल एडवांटेज हाँ मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन होता है या हम कहें जितना लोड होता है ऑलमोस्ट उतना ही एफर्ट होता है तो इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इसमें क्या होता है इक्वल टू वन होता है क्या वेलोसिटी रेशियो कितना होता है इसका अब मुझसे पूछेंगे वेलोसिटी रेशियो कितना होता है तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस किस पर डिपेंड करता है वेलोसिटी रेशियो नंबर ऑफ पुलिस पर डिपेंड करता है तो कितनी पुली है इसके अंदर एक सिंगल फिक्स पुली है भाई नाम बोला था तो एक पुली दिख रही है ना आपको तो इज इक्वल टू वन तो वेलोसिटी रेशियो वन है मैकेनिकल एडवांटेज जो कि लोड अपॉन एफर्ट के बराबर होता है जो कि टी अपॉन टी के बराबर है यहां पर भी टी होगा यहां पर भी टी अरे टी क्या है सर बताए तो टेंशन जो पुल क्रिएट हो रहा है तो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है ना जितना स्ट्रेच हो रही है जितना क्या कर रही है टेंशन ले रही है स्ट्रेच हो रही है उतना ही यहाँ पर एफर्ट भी तो लग रहा है समझ गया ना तो इसीलिए दोनों बराबर लग रहा है इज इक्वल टू वन तो आपने देखा ऐसी पुली जिसमें सिंगल फिक्स पुली है उसमें मैकेनिकल सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज भी वन है और वेलोसिटी रेशियो भी वन है दोनों वन है तो अब इसमें मुझसे एफिशिएंसी पूछोगे तो कितनी आएगी मैं कहूंगा मैं एफिशिएंसी का होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो विच इज वन अपॉन वन हेंस वन वन मतलब हंड्रेड परसेंट क्या रियल लाइफ में ये हंड्रेड परसेंट होता है क्या रियल लाइफ में हंड्रेड परसेंट होता है जवाब है नहीं नो 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 मैकेनिकल एडवांटेज हंड्रेड परसेंट नहीं होता है पर मैंने कहा हम तो थ्योरेटिकली कर रहे हैं इसको है ना अरे आइए देखिए आइए देखिए तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑलवेज सम फ्रिक्शन फ्रिक्शन होगा तो आपकी एनर्जी आपका एफर्ट वेस्ट होना ही होना है ठीक है ना क्योंकि पुली में बियरिंग्स लगे होंगे ना तो इसीलिए एफर्ट हमेशा थोड़ा ज्यादा होगा हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होना ही होना ठीक है आइए तो सिंगल यूज़ क्यों कर रहे हैं भाई जब आ, जब आपको फायदा भी नहीं मिल रहा है एडवांटेज भी डायरेक्शन तो का एफर्ट अगर ये होता जो कि मैंने कहा बिना पुली के होता से पानी निकालना होता तो बहुत मुश्किल होता क्योंकि डायरेक्शन एफर्ट एफ, अपवर्ड लग रहा है ठीक है ऐसे लग रहा है अपने सीने पे खंजर घोप रहे हैं कितना मुश्किल है लिफ्ट करना सोचिए वो भी भरा हुआ बकेट को लिफ्ट करना है कुएं से और अगर ऐसे लिफ्ट करना पड़े जिसमें हम अपने बॉडी का वेट भी पुट कर सकते हैं पूरा एफर्ट लगा सकते हैं अपना शरीर का क्या करते हैं आसान लगेगा ना इसीलिए मैंने कहा डायरेक्शन ऑफ एफर्ट क्या करेगा कन्वीनियंट कर देगा इजी कर देगा आइए अब बात करते हैं सिंगल मूवेबल पुली इसमें पुली क्या कर पाएगी देखिए फिक्स नहीं है इसमें पुली का एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है यहां होता ऊपर टॉप पे होता तो फिक्स होता है ना इसमें पुल्ली नीचे ऊपर जाएगी ध्यान दीजिएगा इसमें पुल्ली पुल्ली में देखिए जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं बस डायरेक्शन ऑफ एफर्ट गड़बड़ है इसमें ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन ऑफ एफर्ट देख रहे हैं कहां है ऊपर है ये रहा टी ये रहा टी ठीक है आइए बात करते हैं इसके मैकेनिकल एडवांटेज की तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज टू के बराबर होगा सर ऐसा क्यों टू के बराबर क्यों होगा क्योंकि इसका जो लोड है ध्यान दीजिएगा लोड है लोड वो रेजिस्टिव फोर्स है जो ये मशीन ओवरकम करती है ना? वो ट्वाइस टी के बराबर होता है क्योंकि जब आप एफर्ट लगाते हैं यहां एफर्ट लगाते हैं ऐसे पुल करते हैं तो ये लोड की डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जितना लिफ्ट होता है उसका हाफ लोड लिफ्ट होता है ध्यान से सुनिएगा उसका हाफ लोड लिफ्ट होता है इसका मतलब है अगर आप 10 मीटर तक एफर्ट लगाएंगे 10 मीटर तक इस थ्रेड को पुल करेंगे तो लोड सिर्फ पांच मीटर ऊपर जाएगा क्योंकि पांच यहां से पांच यहां से जाएगा समझ गया ना तो इसीलिए 2T टेंशन ट्वाइस हो जाएगा ये लोड का टेंशन ट्वाइस हो जाएगा और एफर्ट में एक टी लगेगा सो आपका मैकेनिकल एडवांटेज टू होगा सिमिलरली आपका वेलोसिटी रेशियो डिपेंड करता है एक फॉर्मूले पे मोएबल पुली में फॉर्मुला होता है और वो फॉर्मुला होता है टू टू दावर एन याद कर लीजिए इन अ अबल पुली इन अ अबल पुली वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 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 दावर एन क्या टू टू दावर एन और एन क्या है नंबर ऑफ पुली है ठीक है स टू टू पावर वन सो आपके केस में आ जाएगा टू ये है वेलोसिटी रेशियो याद रखिएगा मोबल पुली का एग्जाम्पल दे रहा हूं मोबल पुली का ही फॉर्मला बता रहा हूं आपको सिंगल मोबल पुली में अर्थात मोबल पुली में क्या हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए टू टू पावर एन लगाएंगे एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पुलिस ठीक है जो नंबर ऑफ पुलिस है वो ही बता रहा है तो आपके केस में वेलोसिटी रेशियो भी टू आ जाएगा अब मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो टू अब आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो दैट अपन टू एंड इट इज वन और हंड्रेड परसेंट फिर मैंने कहा ये तो सिर्फ एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है क्या रियल लाइफ में हंड्रेड परसेंट होता है जी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। आपकी ये आइडियल कंडीशन है सिर्फ आइए अब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस दिखा दें हो सकता है कि आपको क्या मिले एक फिक्स्ड पुली मिले ये रही मेरे एग्जांपल में एक सिंगल फिक्स्ड पुली है थोड़ा ध्यान से देखिएगा एक पुली फिक्स्ड है ये फिक्स्ड वाली पुली है ध्यान से देखिए पर बाकी पुलीज ये पुली नम पुली का नाम जिसका ए है बी है और सी है ये तीनों कैसी पुलिस है ए बी और सी ये तीनों क्या है पुलीज़ पुलिस तो ये कॉम्बिनेशन है किसका एक फिक्स्ड पुली है ठीक है एक फिक्स पुली है बाकी सारी मूवेबल पुली है इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन वन हाँ भाई मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होगा जितनी नंबर ऑफ पुलिस दिख रही है उसके हिसाब से टीज देखिए कितने हो गए टी टी देखा आपने टी टेंशन देखिए कितने हो गए ना तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज भी नंबर ऑफ पुलिस की तरह ही चेंज हो जाएगा और इस केस में वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा टू टू पावर एन यहाँ पे एन क्या होगा नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होगा आंसर तो इसका क्या होगा, का क्या होगा? हमेशा ग्रेटर है? है हम जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर न्यूमेरिकल आना ही है सच कह रहा हूं इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल आएगा अभी मैं कह दे रहा हूं बाद में बोर्ड के टाइम पर देख लेना यह न्यूमेरिकल होगा आइए वो टॉपिक क्या है वो ये रहा टॉपिक सेवरल पुलिस इन टू ब्लॉक्स पुलिस एक से ज्यादा है और वो पुलिस ब्लॉक्स में है सर ब्लॉक क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस है इसमें जी हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस है एक अपर ब्लॉक है एक लोअर ब्लॉक है क्या नियम है इसका क्या रूल है आइए इसको समझते हैं इस सिस्टम को हम कहते हैं ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम जी ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम एक पहला मैंने दियाऑफ फाइव पुलिस इसमें आप देखिए काउंट करिए फाइव पुलिस हैं। जब आपको पांच पुली रखनी है तो आपने पहला अपर ब्लॉक जो रखा है वो थ्री पुली का है ध्यान दीजिए इसको कहूंगा अपर ब्लॉक क्या अपर ब्लॉक ऊपर है ना ये इसीलिए इसको कह रहे हैं अपर ब्लॉक ये जो नीचे वाला दिख रहा है ये 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 इसे कहेंगे लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक ध्यान देने लायक बात क्या है कि नंबर ऑफ पुलिस इन अपर ब्लॉक शुड ऑलवेज बी मोर शुड ऑलवेज बी मोर और और मे बी इक्वल टू लोअर ब्लॉक बट नेवर लेस देन लोअर ब्लॉक रूल लिख दू क्या पुलिस इन अपर ब्लॉक इज ग्रेटर देन या इक्वल टू ध्यान दीजिएगा ज्यादा भी हो सकती है ऊपर वाली पुलिस और बराबर भी हो सकती है किसके बराबर इक्वल टू पुलिस इन लोअर ब्लॉक मैंने लिखा यूबी अपर ब्लॉक यहां लिखा लोअर ब्लॉक ग्रेटर देन हो सकती है और इक्वल टू हो सकती है पर ऊपर पुलिस कम नहीं हो सकती है जैसे ये फाइव वाली पुलिस का सिस्टम देखा आपने जिसमें ऊपर थ्री है पुलिस और नीचे टू है जरा वाले का देखिए ऊपर भी टू पुलिस हैं नीचे भी टू पुलिस हैं अपर ब्लॉक में टू पुलिस हैं देख लीजिए लोअर ब्लॉक में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है टू पुलिस ये हो सकता है ये पॉसिबल है ठीक है ना बट 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 लोअर ब्लॉक की पुलिस ज्यादा नहीं हो सकती है अपर ब्लॉक के ठीक है तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज ध्यान दीजिएगा इसमें आपको एक सिस्टम ऑफ फाइव पुली में मैकेनिकल एडवांटेज विल बी फाइव टी अपॉन टी सो इट विल बी फाइव एंड वेलोसिटी रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पुलिस किस पे डिपेंडेंट है नंबर ऑफ पुलिस पे डिपेंडेंट है ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी रेशियो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं करता है मैकेनिकल एडवांटेज इज नॉट फिक्स्ड मैकेनिकल एडवांटेज में चेंज वेलोसिटी रेशियो हमेशा रहता है तो किस पे डिपेंड करता है पांच पुलिस है तो नंबर ऑफ पुलिस कितनी है फाइव है तो वेलोसिटी रेशियो भी फाइव है दे आर फोर एफिशियज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज विच इज फाइव डिवाइडेड द वेलोसिटी रेशियो विच इज अगेन फाइव तो मैकेनिकल सॉरी तो एफिशिएंसी है वन या हंड्रेड परसेंट यही रूल इस पर भी अप्लाई होता है ध्यान देंगे इसमें क्लियर है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस यूजिंग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम याद रखिएगा लोअर ब्लॉक की पुलिस कम होंगी लोअर ब्लॉक की पुलिस छोटी होंगी लोअर ब्लॉक की पुलिस लेसर इन वेट होंगी ध्यान दीजिएगा इस बात का तभी क्या होगा इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और बेटर काम कर पाएगा और अच्छे से क्या होगा ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम काम करेगा क्या आपने देखा है ब्लॉक एंड सिस्टम हा? नहीं देखा है ना रियल लाइफ में पर मैं आपको याद दिलाऊं क्या आपने कभी रोड पर बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर देखे हैं हां खंबों में किनारे किनारे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं वो बिजली के खंभों में जिसमें लिखा होता है चार वोल्ट देखा है अरे वो ट्रांसफॉर्मर इतना ऊंचा पहुंचा कैसा खंबे के ऊपर पहुंचा कैसे वो तो कई टन का ट्रांसफार्मर होता है अरे इसकी मदद से पहुंचा है अच्छा कई बार खाई में गिर जाती है खड्ड में गिर जाती है एक क्रेन नुमा गाड़ी आती है उसमें यही लगा होता है वो गाड़ियों को उठा लेती है नीचे से सच में उनमें क्या लगा होता है ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम लगा होता है तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैवी लोड लिफ्ट करने के काम आता है चलिए अब बात करते हैं हम लोग लिवर की हाँ हाँ अपना लिवर की बात नहीं कर रहे हैं हमारे शरीर में जो लिवर है वो है एल आई ई आर -E ऑर्गन है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट लिवर हम बात कर रहे हैं लीवर एल ई वी आर एस सर ये क्या होता है लीवर क्या होता है तो लिवर भी एक बहुत ही सिंपल मशीन है जो आप और मैं रोज यूज कर रहे हैं कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं हाँ मैं और आप बहुत यूज कर रहे हैं लिवर का तो लिवर एक स्ट्रेट एक रिज एक रिजिड एक बार हो सकता है एक एक डंडी हो सकती है हाँ हाँ एक डंडा हो सकता है लोहे का हो सकता है मेटल का हो सकता है विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस जिसको आप क्या कर सकते हैं टर्न करने में पलटने में इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने कहा था आम चम्मच भी आपका एक स्पून भी क्या है आपका एक लिवर है ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट एक पॉइंट जिस पर ये टर्न करे जिस पर लिवर को टर्न कराया जाए उस पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं फलक्रम फलक्रम एक फिक्स पॉइंट होता है याद रखिएगा जहां पर लिवर को क्या किया जा सकता है टर्न कराया जा सकता है फलक्रम का सिंबल है एफ ध्यान दीजिएगा फलक्रम के लिए यूज करते हैं सिंबल एफ याद रखिएगा फलक्रम वो पॉइंट है जो खुद मूव नहीं करता है फलक्रम एक कॉन्स्टेंट पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट है ठीक है लीवर मूव करेगा फल्क्रम मूव नहीं करेगा आइए एक एग्जांपल से समझते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर थोड़ा ध्यान से देखिएगा बहुत सिंपल है तो लीवर ऑफ थ्री क्लासेस पढ़ेंगे हम लीवर ऑफ फर्स्ट क्लास क्लास 1 लीवर ऑफ क्लास टू लीवर ऑफ क्लास थ्री हाँ लीवर तीन टाइप के हैं बताए तो एक बार होता है बस एक रिजिड बार होता है व्हिच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग बस आइए सबसे समझते हैं क्लास के लेवर की बात करते हैं देखिए फलक्रम इसमें बीच में है एक तरफ एफर्ट है एक तरफ लोड है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिजर। हाँ, हाँ, सिजर, कैची। आपके घर में कैची है ना भाई सोच लो ये रहा मेरे हाथ की बनाई कैंची आपने कभी ध्यान नहीं दिया था आज मैंने मेरे हाथ की बनाई आपको कैंची दिखा दी हा भाई ये रहा आपका एफर्ट जहां पर आप एफर्ट लगा रहे हो ये वो पॉइंट है यहां पर आप एफर्ट लगा रहे हो ये रहा ये रहा फलक्रम बीच में और यहां पर जो भी आपको कपड़ा या जो भी कट करना है वो है लोड तो आप देखेंगे फलक्रम कहाँ पर है बीच में तो इस केस में हम कहते हैं लिवर ऑफ क्लास वन क्या क्लास का लिवर है ये लिवर ऑफ क्लास वन ऐसे लिवर में तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सर तीन पॉसिबिलिटी फिर से हां भाई तीन हो सकती हैं जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होगा मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होगा या मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन होगा आइए तीनों समझते हैं तो एक जब आप लीवर की बात करते हैं तो जहां आप एफर्ट लगाते हैं वहां से लेकर के फलक्रम तक के डिस्टेंस को आप कहते हैं एफर्ट आर्म सिमिलरली फलक्रम से लोड तक के डिस्टेंस को पॉइंट ऑफ लोड के डिस्टेंस को कहते हैं लोड आर्म ठीक है तो अब आइए देखें एक लिवर एक लिवर भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे काम करता है याद रखिएगा सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या कहा चैप्टर फोर्स आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है प्लीज क्या करिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आप चैप्टर का नाम लिखिए आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी हाँ गूगल कर डालो यूट्यूब पे सर्च कर डालो कहीं पे भी सर्च करो आपको मेरे बनाए लेसन वीडियो पक्का मिलने वाले हैं बस आप क्या करिए चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी हाँ करके देख लो किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा करके देख लो मैं आपको कह रहा हूं आपको बनाए मेरे लेसन वीडियो पक्का मिलने वाले हैं जी और आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे विश्वास करिए तो अगर क्या हो अगर हम क्या करें एक लिवर पर हाँ लोड लग पुट कर दें देखें कि लोड जब पुट करेंगे तो लोड इनटू लोड आर्म बना देगा मेरा एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नहीं ये बनाएगा सॉरी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या बनाएगा लोड इनटू लोड आर्म क्लॉकवाइज मोमेंट बना देगा ठीक है ये रहा क्लॉकवाइज मोमेंट और एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ठीक है ना एक आइडियल मशीन में क्या होने वाला है ये दोनों इक्वल होने वाला है लोड इनटू लोड आर्म एंड एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म आइए देखें काइंड्स ऑफ लीवर में मैंने पहला ही लीवर का काइंड पहले डिस्कस कर दिया आपका नाम है लीवर ऑफ क्लास वन इसमें क्या होने वाला है आपका फलक्रम बीच में होने वाला है और एफर्ट और लोड अगेंस्ट अपोजिट अपोजिट होने वाले हैं अब इस केस में मैंने एग्जाम्पल दिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने सीजर का एग्जाम्पल दिया दूसरा एग्जाम्पल है सीसॉ। हाँ आप और मैं कई बार सीसॉ में खेले हैं क्या कहते हो सीसॉ में तुमने खेला है कि नहीं खेला है सीसॉ अरे भाई वो झूला जो याद आ गया सीसॉ हाँ पक्का खेला होगा बचपन में तो शोर खेला होगा तो इसमें खास बात क्या है इसमें मैकेनिकल एडवांटेज वन ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन तीनों हो सकता है ध्यान दीजिएगा अगर आपको लोड देख लीजिए लोड अगर आपका ग्रेटर देन एफर्ट होगा तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होगा ठीक है ना और और वाइस वर्सा मैकेनिकल एडवांटेज आपका लेस देन वन हो जाएगा अगर आपके पास लोड लेस देन एफर्ट होगा और इक्वल टू वन कम हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज जब आपके पास लोड और एफर्ट दोनों इक्वल होंगे क्लियर है तो इसका मतलब है लीवर ऑफ़ फर्स्ट क्लास में तीनों पॉसिबिलिटीज हैं फर्स्ट क्लास का लीवर गेन इन स्पीड में भी काम कर सकता है फर्स्ट क्लास का लीवर फोर्स पैर का भी काम कर सकता है और फर्स्ट क्लास का लीवर क्या करता है चेंज इन डायरेक्शन एफर्ट भी काम करता है बड़े कमाल का है फर्स्ट क्लास का लिवर आइए सेकंड क्लास लिवर ऑफ सेकंड क्लास इसमें क्या होने वाला है देखिए इसमें लोड कहां पर है बीच में है लोड बीच में है तो फलक्रम एट वन एंड है आपकी लोड आम हर हाल में छोटी होनी है जब आपकी लोड आम छोटी होगी तो ऑब्वियस बात है एफर्ट एक अलग एंड पे लग रहा है अर्थात आपके पास एफर्ट आर्म बहुत बड़ी है जब आपकी एफर्ट आर्म बड़ी है तो आप कम एफर्ट में भी ध्यान सुनिएगा कम एफर्ट में भी आप क्या करेंगे ज्यादा काम कर पाएंगे इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन वन होगा मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन इसका मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर का, का काम करेगा आ, मैंने आज चैप्टर की बिगनिंग में इस टॉपिक पर बहुत डिटेल से डिस्कस किया आपको ये कई गुना ताकत से काम करेगा अर्थात कम ताकत लगाएंगे और कई गुना क्या करेगा आपका लोड ये लिफ्ट कर लेगा ठीक है ना क्योंकि इसमें एफर्ट आम बहुत बड़ी है आपका एफर्ट आम बड़े होने की वजह से आपको कम एफर्ट लगने वाला है चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझा देते हैं एग्जाम्पल आता है नट क्रैकर एग्जाम्पल आता है बॉटल ओपनर हाँ भाई कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो याद करो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलना कितना आसान है बोतल ओपनर से उसके बिना खोलने की कोशिश करो सोचो कि आपके पास बोतल ओपनर नहीं है कैसे कोल्ड ड्रिंक खोलोगे क्या कहा दांत से खोलोगे दांत टूट जाएगा दांत में कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन है वो लोहे का होता है मेटल का होता है कटने का डर होता है किसी और चीज से बताओ कैसे खोलोगे हाँ और जो एफर्ट लगाओगे तो वो एफर्ट ज्यादा लगेगा कुछ लोग दरवाजे से खोल लेते हैं फंसा करके है ना या कुछ और चीजें चाकू फाकू लगा के खोल लेते हैं बट उन सब में एफर्ट ज्यादा लगता है पर बॉटल ओपनर में चुटकियों में खुल जाता है बस बॉटल ओपनर लगाओ जैसे ही फसा कैप पर बॉटल के चुटकियों में क्या होता है बॉटल खुल जाती है एफर्ट भी कम लगता है और काम भी फास्ट होता है उसी तरह से नट क्रैकर नट क्रैकर क्या करता है नट को क्रैक कर देता है नट को बीच में दबा देते हैं नट को यहां रखते हैं आपने नट क्रैकर को नॉर्मली ऐसा होता है नट क्रैकर बीच में नट रख देते हैं यहां पर ये आपका लोड है यहां पर आपका फलक्रम है हाँ यहां पर आपका फलक्रम है और यहां पर यहां पर आप एफर्ट लगाते हैं यहां पर यहां और यहां आप एफर्ट लगाते हैं है ना इसको ऐसे दबा देते हैं बाहर से पीछे से यहां से ऐसे दबा देते हैं नट बीच में से क्या होता है कट जाता है नट क्रैकर पक्का आइए तीसरा और आखिरी केस देखेंगे लिवर ऑफ थर्ड क्लास इस बार क्या होने वाला है इस बार एफर्ड बीच में होने वाला है देख लीजिए इस बार कौन बीच में है एफर्ड बीच में है, नाम है लिवर ऑफ थर्ड क्लास इसमें क्या होने वाला है जब एफर्ड बीच में हो जाएगा तो आपकी एफर्ट आम छोटी हो जाएगी फलक्रम एक साइड है और लोड दूसरे एंड पर है ध्यान दीजिए इस बार आपकी लोड आम बड़ी है लोड आम बड़ी है तो लोड कम लिफ्ट होगा। इस बार आपका मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी लेस देन वन और इस केस में क्यों लेस देन वन है तो मैंने बता दिया क्योंकि आपकी लोड आर्म बहुत बड़ी है एफर्ट आर्म से या कह सकता हूं कि आपका एफर्ट ज्यादा लगने वाला है लोड से सही सुन रहे हैं आप हाँ, आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा इस लोड को लिफ्ट करने के लिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फायर टोंग आई स्टॉन्ग उसमें आपका एफर्ट बीच में लगता है आप मेरी बात से सोचिए मैं क्या कह रहा हूं फायर टोंग आई स्टोंग ये गेन इन स्पीड के काम आता है किस काम आता है गेन इन स्पीड के काम आता है देखिए शुगर टोंग नाइफ फायर टोंग ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है सो अब आइए हमारी बॉडी के अंदर कहां कहां भाई आपने लीवर तो देख लिया ऑफ क्लास वन जिसमें लोड बीच में और लिवर ऑफ क्लास थ्री जिसमें क्या करती है कई जगह में लिवर का काम करती है देखिए लिवर ऑफ क्लास हमारी बॉडी में पहला बात करते हैं हमारे पास बॉडी में क्लास वन का लिवर है कहां है क्लास वन में फलक्रम बीच में होता है फलक्रम बीच में होता है लोड और एफर्ट अलग अलग साइड्स में होते हैं लोड और एफर्ट ठीक है ना फलक्रम बीच में होता है ये आइए देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है ये रहा चिन यहां पे लोड आ गया यहां रहा हेड का ये वाला पोर्शन है ना सैरी विलम वाला पोर्शन देखिए एफर्ट यहां हो गया और फलक्रम कहां पर है नेक के रीजन पर बीच वाला जो बोन है नेक वाला जो बोन है जो हाँ देख लीजिए ध्यान दीजिए मेरी गर्दन की तरफ मुझे देखिए मुझे ये मैं क्या कर रहा हूं नॉड से बोलते हैं नॉड करना तो जब आप नॉड कर रहे हैं नोडिंग मतलब हा मैम मैम नो मैम नो मैम तो ऐसे करते हैं ना ऐसे यस मैम याद करिए तो आप क्या कर रहे हैं लिवर ऑफ फर्स्ट क्लास फॉलो कर रहे हैं ठीक है आइए दूसरा एग्जाम्पल दू आप रेजिंग दी वेट ऑफ द बॉडी जब आप क्या कर रहे हो पंजों पे खड़े हो रहे हो जब आप पंजे में खड़े होते हो तो पैर के जो पंजे हैं देखिए ध्यान ध्यान से, से दे देखिए आप लिवर ऑफ क्लास टू करने वाले हैं और जब आप लिवर ऑफ क्लास टू करेंगे तो आपका लोड बीच में होने वाला है आपका एफर्ट और फलक्रम अलग अलग होगा लोड बीच में हो जाएगा इस बार इस बार लोड बीच में हो जाएगा देखिए आपके पैर के पंजे आगे की जो ये yes, पांच उंगलियां पैर की वो बन गई आपका फलक्रम क्योंकि ये पॉइंट मूव नहीं करेगा यहां पर आप लगा रहे हैं पूरी बॉडी का लोड देखिए इस पूरी बॉडी का लोड इस पॉइंट पर पड़ रहा है तो बीच में हो गया आपके लोड और आप एफर्ट यहां लगा रहे हैं एफर्ट लगा रहे हैं ऊपर की दिशा में देखिए एफर्ट का एरो देखिए ध्यान से एफर्ट का एरो ध्यान से देखिए एफर्ट का एरो ऊपर है ना आप ऐसे पुल कर रहे हैं ना तो एफर्ट लगा रहे हैं ऊपर की तरफ देखिए एफर्ट लगा रहे हैं ऊपर की तरफ ठीक है और आपकी बॉडी का लोड कहां है इस देखिए एंकल की तरफ नीचे देखिए यहां देखिए नीचे सो so, ये हो गया लोड क्योंकि बीच में है इसीलिए हो गया लिवर ऑफ सेकंड क्लास आइए तीसरा और भी एग्जाम्पल देखे लिवर ऑफ थर्ड क्लास हाँ ये रहा मेरे हाथ को तो देखिए अगर मैंने कोई वेट रखा यहां पर तो लोड हो गया ठीक है और यहां पर आप लग रहा है फलक्रम है पर एफर्ट यहां लग रहा है ध्यान दीजिएगा इस समय एफर्ट यहां लग रहा है बीच वाले पे यहां, यहां। एफर्ट इस बार मिडिल में है, तो इसको कहते हैं लिवर ऑफ थर्ड क्लास इसमें क्या होता है आपका एफर्ट बीच में होता है फलक्रम और लोड साइड साइड होते हैं ये रहा आपका हाथ आपके हाथ पे रखा ये लोड ये रहा बीच में यहां पर लगने वाला आपकी इस मसल पे एफर्ट लगने वाला है इस मसल पे पुल लगने वाला है और इधर है आपके पास जॉइंट यहां पर है फलक्रम यहां पर है जॉइंट फलक्रम है ना यहां लगने वाला है ठीक है जो डम्बल उठा रहे हैं लोग हाँ जो लोग डम्बल यू नो जो वेट लिफ्टिंग करते हैं ना ऐसे डम्बल उठाते हैं ना तो यहां लगता है ताकत यहां लगती है ताकत समझ गया ना बाइसेप में और यहां लगता है ठीक है ये है लिवर किसका थर्ड क्लास क्लास थ्री चलिए आपने सारा एग्जाम्पल सारा चैप्टर मशीन मेरे साथ एस पर दोर्ड लेटेस्ट बोर्ड 2024 फिनिश कर लिया है और मुझे पूरा यकीन है मेरे सच्चे सुपरस्टार्स अगर आप होंगे तो ये आप अपने पास मत नहीं रखिएगा अपने सारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को बुला लीजिए क्योंकि अब हम आपके साथ ये सीरीज शुरू कर रहे हैं और कल जी हाँ कल का सेशन एक जबरदस्त सेशन होने वाला है जिसमें हम आपके साथ टाइम टेबल डिस्कस करेंगे और आपके साथ लाइव सेशन का टाइमिंग डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन होगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम किस शेड्यूल के साथ आपके साथ क्लासेस फिनिश करेंगे हाँ ये चैनल में आपको एब्सुलटली फ्री ढेर सारे कंटेंट मिलने वाले हैं याद रखिएगा ये सब पेड कंटेंट्स हैं फ्री नहीं है पर हम आपको दे रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑल लेसन नोट्स ऑल लेसन वीडियोस एंड इवन एवरी अदर यस एवरी अदर नोट्स पेपर्स क्वेश्चन पेपर्स सब कुछ देने वाले हैं फ्री में पर याद रखिएगा ये सर्वदा के लिए नहीं है हमेशा के लिए नहीं है जब हमें लगेगा कि ऐसी जरूरत मुझे महसूस हो रही है आपकी मदद मांगूंगा आपसे परमिशन मांगूंगा और लॉन्च कर दूंगा अपना पेड कोर्स भी हाँ पेड कोर्स आप बताएंगे आप कहेंगे तो ही हम स्टार्ट करेंगे ठीक है और पेड कोर्स के लिए कोई कंपल्शन नहीं होने वाला है किसी को भी आप कहेंगे तो ही हम चालू करेंगे स्टार्ट करेंगे बट याद रखिएगा ये सब पेड है और हम ला रहे हैं आप सबके लिए फ्री मिलते हैं बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू